जिस सफर से होकर तू आज मकाम पर पहुंचा है, जिस सफर से होकर तू आज मकाम पर पहुंचा है, उसी सफर में आज कई दीवाने चल निकले हैं। जानते नहीं नादान उन्हें जरूरत है एक जिद की, जानते नहीं नादान उन्हें जरूरत है एक जिद की, नन्हे कदमों से नापने आसमान चल निकले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी तरह नन्हे कदमों से आसमान नापने निकली एक जिद्दी लड़की के बारे में। मनाली के एक छोटे से कस्बे के पास एक घर में जन्मी एक बच्ची, जिसे फिल्मों या फिल्म इंडस्ट्री से कुछ भी लेना देना नहीं था, पर उसने ठान लिया था कि मेरे सपने मैं सच करके दिखाऊंगी, और मेरे सपने हैं कि मैं बॉलीवुड में एक टॉप की अदाकारा बनूंगी। दोस्तों, उसके परिवार में ज़्यादातर डॉक्टर्स हुआ करते थे। बचपन से ही उसको परिवार से यही कहा जाता था कि तुझे डॉक्टर बनना है और इसी तरह से तेरी पढ़ाई होगी। पर उसके इरादे कुछ और थे। उसने ठाना था कि मैं करूँगी अपनी लाइफ में तो कुछ और करूँगी, और किसी और फील्ड में जाकर मैं टॉप की पोजीशन हासिल करूँगी। थोड़ी साल की हुई, वो थोड़ी समझने लगी लाइफ को, तब उसने डिसाइड किया कि मैं एक दिन मिस इंडिया बनूंगी। कैसे बना जाता है, उसके लिए क्या करना होता है, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, पर उसने ठाना था। और मिस इंडिया बनना है तो मनाली के पास जो छोटा सा कस्बा था जहाँ वो रह रही थी, कि जहाँ ना थिएटर था ना कुछ, अगर उसको फिल्म देखनी भी हो तो VCR घर पे लाते थे और VCR की कैसेट लाकर फिर TV के ऊपर मूवी देखते थे, तभी कोई मूवी देख पाते थे। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे एरिया में वो पली बड़ी थी। अब अगर फिल्मों में जाना है, मिस इंडिया बनना है, अगर ऐसे ख्वाब है तो आपको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसने अपने परिवार के पास जिद की और बोला कि मुझे चंडीगढ़ जाकर पढ़ाई करनी है, और फैमिली ने उसको उसकी जीत को मानकर चंडीगढ़ पढ़ने भेज दिया। अब चंडीगढ़ जिस स्कूल में पढ़ती थी, वो उस स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी काफ़ी थी। उसमें ड्रामा, स्पोर्ट्स, ऐसी एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी तरह से होती थी। तो उसने ड्रामा में पार्ट लिया क्योंकि उसको एक्टिंग के और पैशन था। तो एक बार हुआ हूँ दोस्तों कि उसने ड्रामा में पार्ट लिया, और उस ड्रामा में जो लड़का था कि जो इसमें हीरो के तौर पे काम करने वाला था, किसी वजह से वो लड़का एंड टाइम पे मुकर गया, वो एक्टिंग कर पाए, ऐसी पोजीशन नहीं थी। सब लोग परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे, अब दूसरे किसी को तो इमीडिएटली तैयार नहीं कर सकते क्योंकि उसके डायलॉग किसी को मालूम नहीं है, नाटक का जो प्लॉट है वो लोगों को मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे। पर ये जो लड़की थी जिसकी हम बात कर रहे थे, उसमें उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस भरा था, महज 16 साल की उम्र थी, पर इतना कॉन्फिडेंस भरा था कि उसने बोल दिया कि कोई टेंशन मत ना लीजिए, वो जो लड़के का रोल है वो भी मैं ही कर लूँगी, और मेरा जो रोल है वो भी मैं ही कर लूँगी। दोस्तों, उस टाइम पे उसने नाटक में एंड वक्त पे डबल रोल किया, जिसमें एक हीरो और हीरोइन दोनों के रोल उसने वहाँ पे इतनी बाखूबी से निभाए कि प्ले देखने आए हुए एक नामी हस्ती ने उसको बोला कि तू इतनी कॉन्फिडेंस से अगर एक्टिंग कर सकती है तो तुझे फिल्मों में ट्राई जरूर करना चाहिए। ये उसकी मन की बात थी, जो किसी और ने बोला कि तू वहाँ पे ट्राई कर, सक्सेसफुल होगी। वहाँ से उसने सीरियसली ट्राई करना शुरू किया कि मैं अब बॉलीवुड में जाऊंगी और एक्टिंग करूंगी। दोस्तों, उसने वहां से स्कूल से ही ट्राई किया और उसको स्कूल लेवल से ही मॉडलिंग के लिए ब्रेक मिल गया। उसने वहां पे मॉडलिंग का काम शुरू कर दिया और मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलने लगे। उसको मॉडलिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, उसमें कई नामी कंपनियों के और एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के ध्यान में वो आई, और वहाँ से उसको लेकर
एक बार ऐसा हुआ कि एक पूरा कैलेंडर उसके अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग लोकेशन पे उसको फोटोशूट करवा के पूरे साल का कैलेंडर छापा गया दोस्तों। वो इसके लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। उसके बाद उसको लगा कि अगर मुझे एक्टिंग में आगे बढ़ना है तो मुझे डांस और एक्टिंग बकायदा प्रोफेशनल वे में सीखनी पड़ेगी। तब जाके उसने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन की। अब एक्टिंग स्कूल ज्वाइन की और वहाँ से उसको एक्टिंग स्कूल में से ही कॉफ़ी के एडवर्टाइजमेंट में कमर्शियल में काम करने के लिए ऑफर मिला। जिस दिन कॉफ़ी के कमर्शियल का शूट था उसी टाइम पे महेश भट्ट साहब वहाँ पे किसी और काम से अपने शूटिंग के लिए ही आए हुए थे। और हम जिसकी बात करें कि जिसको कॉफ़ी के एडवर्टाइजमेंट के लिए शूटिंग के लिए बुलाया गया था उसको महेश भट्ट साहब ने देख लिया और उसको वो लड़की वहीं के वहीं पसंद आ गई। वो एक फिल्म के बारे में सोच रहे थे और उसका कास्टिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि इस लड़की को मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए बतौर हीरोइन ले सकता हूँ। पर लड़की को उन्होंने ध्यान से देखा और देखा कि ये बहुत ही कम उम्र की 16-17 साल की लड़की है, तो मुझे जिस हीरोइन के लिए लड़की की तलाश है ये उससे काफ़ी छोटी है, तो ये उसमें सूट नहीं हो पाएगी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत के बारे में। महेश भट्ट साहब ने कंगना को देखा और उन्होंने सोचा कि वो जो फिल्म बनाने जा रहे हैं उस फिल्म के लिए उसको लिया जाए। और दोस्तों वो फिल्म थी गैंगस्टर, उसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं कंगना को लेकर फिल्म बनाऊँ। पर कंगना उनको उम्र में काफ़ी छोटी लगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं चित्रांगदा सेन को लेकर मूवी बनाऊंगा। अब चित्रांगदा के साथ उन्होंने मूवी के बारे में सब कुछ डिस्कस करके फाइनलाइज कर लिया था, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस टाइम पे चित्रांगदा वो फिल्म नहीं कर पाई और वो उस फिल्म की हीरोइन के तौर से हट गई। फिर एक बार महेश भट्ट साहब के पास गैंगस्टर के लिए कोई फीमेल एक्ट्रेस नहीं बची थी, उनको फिर से कंगना याद आई। उन्होंने कंगना को कांटेक्ट किया। जो चीज़ उनके दिमाग में थी कि ये लड़की उम्र में छोटी है और उसको अभी इस फिल्म में बतौर हीरोइन लेना ठीक नहीं होगा, वो चीज़ उन्होंने वहाँ पे माइंड चेंज कर दिया और उन्होंने एक दिन कंगना को कॉल करवाया। और कंगना को कॉल करवाया और इमरजेंसी में वो सिर्फ कंगना के लिए नहीं, वो काफ़ी लड़कियों के बारे में सोच रहे थे और ट्राई कर रहे थे, पर कंगना को कॉल करते ही उन्होंने ये मैसेज कन्वे करवाया कि अगर तेरे पास पासपोर्ट है तो तू कल से ही आ जा, मूवी में तुझे काम मिल गया है। पर कंगना के पास पासपोर्ट नहीं था क्योंकि गैंगस्टर का शूटिंग इंडिया से बाहर करना था, इसलिए पासपोर्ट होना जरूरी था। कंगना एक स्टूडेंट थी, उसको इंडिया से बाहर जाने का वैसे कोई प्लानिंग नहीं था, इसलिए उसके पास कोई पासपोर्ट था नहीं। पर महेश भट्ट की फिल्म में अगर ब्रेक मिलता है और सिर्फ पासपोर्ट के लिए बात अटक जाती है तो वो भी कुछ ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए इतना बड़ा ब्रेक मिस किया जाए। उसने वहाँ से अपने जो भी उस उम्र में जो भी पॉसिबल होते थे वो सारे कॉन्टेक्ट लगा दिए और कुछ ही दिनों के अंदर पासपोर्ट बनवा दिया और महेश भट्ट साहब के पास गई और बोला कि मेरा पासपोर्ट रेडी है, क्या मैं अब आपकी फिल्म में काम कर सकती हूँ। और वहीं महेश भट्ट साहब ने उसको साइन कर लिया और बोला कि मेरी नेक्स्ट फिल्म गैंगस्टर के लिए तू बतौर हीरोइन काम कर रही है। दोस्तों यहाँ से कंगना का बॉलीवुड में आना हुआ, उसकी एंट्री हुई। फिल्म मिलने के बाद उसको मुंबई में शिफ्ट होना था, मुंबई में सेटल होना था, क्योंकि ज़्यादातर फिल्म वहीं पे शूट होनी थी, इंडिया से बाहर होनी थी, फिर बाद में मुंबई में शूट होना था, तो उसको चंडीगढ़ छोड़ के मुंबई सेटल होना पड़ा। अब मुंबई जब रहने आई तब उसके पास कोई घर नहीं था, यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट था। तब किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू फिल्म इंडस्ट्री में ये लड़की काम कर रही है और इसकी मूवी आई है, मूवी आ रही है, शूटिंग चल रही है, ये कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट पता चला और आदित्य पंचोली के पास ये बात पहुंची कि ये एक नई लड़की आई है और वो यहाँ पे घर ढूंढ रही है। दोस्तों इसने अपनी एक सहेली को भी साथ ले लिया था कि हम दोनों वहाँ पे रहकर वहाँ पे काम करेंगे और साथ में मुंबई में रहेंगे। पर किसी वजह से आदित्य पंचोली ने
कंगना रनौत के साथ कांटेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा सेटिंग किया कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंगना अकेली ही रह पाए। कंगना को फ्लैट दिलवा दिया रहने के लिए। ये सब कंगना का खुद का जो एक्सपीरियंस है वह हम आपको बता रहे हैं। उसने खुद बोला है कंगना ने कि वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई उसके बाद उसको क्या क्या फेस करना पड़ा। दोस्तों कोई भी आम लड़की होती तो उसने जो फेस किया वो सब छोड़ के कब की भाग चुकी होगी। पर मैंने पहले ही बोला कि एक जिद्दी लड़की की बात कर रहे हैं और वो जिद्दी और वो बहादुर लड़की ने अपनी जिंदगी के अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या संघर्ष किया वही हम आज बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो वहाँ पे आदित्य पंचोली ने उसको घर दिलाया, उसके बाद उसका हैरेसमेंट शुरू हुआ, बिना वजह उसके घर चले जाना, उसको कांटेक्ट करना, उसको देर रात आधी रात फोन करना वगैरह वगैरह वहाँ पे शुरू हुआ। इसने जितना हो सके उतना उसको इग्नोर किया, उसको फेस किया। दोस्तों बात यहाँ तक बढ़ गई कि फिर उसको लगा कि अब मेरी सेफ्टी नहीं है, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तब उसने जाकर आदित्य पंचोली की पत्नी जरीना वहाब जी को बोला कि आप प्लीज़ इसमें इंटरफियर हुए और मुझे बचाइए। वहाँ पे जरीना वहाब ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस मामले में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, आई एम हेल्पलेस। इस लड़की को ये ख्याल आया कि अब मेरे साथ कोई नहीं है और जो भी सिचुएशन है मुझे खुद ही उससे निपटना है। दोस्तों उसने किसी तरह से वहाँ से अपना घर चेंज कर लिया और धमकी भी दी कि मैं पुलिस केस कर दूंगी तुम्हारे हैरेसमेंट से, अब तंग आ चुकी हूँ। पर फिर भी हैरेसमेंट नहीं रुका। उसने जहाँ पे घर लिया वहाँ पे ये देखा कि अगर आधी रात को मुझे घर से कूद कर बालकनी से कूद कर भाग भी जाना पड़े तो इस घर से वो चीज़ पॉसिबल होती है या नहीं। उसने ये चीज़ देखकर मुंबई में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाला फ्लैट लिया कि जहाँ से बालकनी में से कूद कर वो भाग सकती है। और वो जो सोचा था उसने एक दिन वो करने की नौबत भी आ गई। एक बार डोरबेल देर रात को डोरबेल बजा, उसने देखा दरवाजे के अंदर से कौन डोरबेल बजा रहा है और उसको जो डर सता रहा था वही उसके सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खोलने के बजाय अपनी बालकनी से जंप लगाकर, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से जंप लगाकर भागी। वो घायल हो गई फिर भी भागी और वहाँ से उसने एक होटल में जाकर शरण ली। वहाँ पे 2-3 दिन अपने आप को कमरे में बंद करने के बाद उसने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर उसने हिम्मत से काम लिया और वो पुलिस स्टेशन गई और वहाँ पे उसने पुलिस केस दर्ज करवाया। दोस्तों उसका करियर ऑलमोस्ट शुरू हुआ था, उसी दौरान ये सारे इश्यूज़ हुए, पुलिस केस हुआ, मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें छपी जो उसके फेवर में थी नहीं थी, इन सब की वजह से उसके करियर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। उसको धमकियाँ दी गई थी कि तेरा करियर ख़त्म कर दिया जाएगा, तू कुछ फिल्म इंडस्ट्री के कुछ हस्तियों के सामने कुछ मत बोल, उनके सामने कुछ एक्शन मत ले, चुपचाप जो होता है वो चलने दे। पर वो एक नहीं मानी। महज 17-18 साल की थी पर मुंबई नया शहर, वो अकेली थी, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उसने पुलिस केस किया। उसके करियर पे इफेक्ट आया दोस्तों। काफ़ी टाइम तक कंट्रोवर्सी के चलते उसको काम नहीं मिला, फिल्में मिली पर वो लो बजट की और उस टाइप की फिल्में थी कि जिसमें उसको उसके अंदर जो स्किल थी वो दिखाने का मौका न मिले। उसको कॉम्प्रोमाइज़ अपने करियर में के इनिशियल स्टेज में काम को लेकर करना पड़ा पर उसने हार नहीं मानी, वो मैदान छोड़ के नहीं भागी, वो डटी रही और एक के बाद एक जिस भी फिल्म में उसे लगे कि नहीं ये फिल्म करने से मुझे कुछ और फिल्मों से ज़्यादा अच्छी रिकग्नाइजेशन मिलेगी वो करती रही। उसी दौरान 2011 में मतलब उसने जो संघर्ष शुरू किया था उसके 4 साल बाद उसको तनुवेज मनु मिली। उसमें उसके काम को बहुत पसंद किया गया, लोगों ने
उसको काफ़ी सराहा। उसके बाद उसको कुछ अच्छी फिल्में मिलने लगी, अच्छे बैनर की फिल्में मिलने लगी, उसकी एक्टिंग के बारे में लोग बात करने लगे। उसी दौरान उसने अपना एक मकाम हासिल कर लिया था। लोगों को पता चल गया था कि ये लड़की एक अलग ही मिट्टी की बनी है, जो सब कुछ छोड़ के भाग जाने वालों में से नहीं है, और उसके साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो वो आँख से आँख मिलाकर उस गलत चीज़ का सामना करने वाली लड़की है। और उसी टाइप से उसने अपनी इम्प्रेशन क्रिएट की और फिल्म इंडस्ट्री में वो संघर्ष करती रही। और कहते हैं ना कि उसके वहाँ देर है अंधेर नहीं है। दोस्तों, उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत, उसकी लगन रंग लाई और उसको क्वीन जैसी फिल्म ऑफर हुई जिसमें वो लीड रोल में थी। दोस्तों, क्वीन की स्टोरी ऐसी थी कि इस टाइप की स्टोरी पाने के लिए बहुत सारी नामी एक्ट्रेसेस अपना जो भी रेफरेंस होता है, जो भी अपना इन्फ्लुएंस होता है, वो ट्राई करती है कि ऐसा रोल, ऐसी फिल्म मुझे मिले। पर हम कंगना की बात करें, कंगना को उसकी एक्टिंग और उसकी जो ब्रेवरी है, जो उसका नेचर है, उस नेचर से मैच होता हुआ कैरेक्टर क्वीन में जो था वो मिला, जो उसके खून में, जो इसके डीएनए में था, वही चीज क्वीन में उसको करनी थी, उसको दिखानी थी। और उसने सुनते ही उसके दिल को लगा कि इसी चीज के लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ और मैं इसी चीज की तलाश में थी कि मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि जिसमें मैं अपने आप को 100% उसमें प्रेजेंट कर सकूं। और दोस्तों, क्वीन में वही देखने को हमें मिलता है। उसने क्वीन के अंदर जो एक्टिंग की है, जो रोल प्ले किया है, जो कैरेक्टर को निभाया है दोस्तों, उसको बहुत नामी हस्तियों ने, बहुत ही माने हुए कलाकारों ने सैल्यूट किया, लोगों ने बहुत ही प्यार किया उनके उस कैरेक्टर को, उनकी एक्टिंग को। दोस्तों, उसके बाद एक के बाद एक उनको बहुत ही अच्छी फिल्म मिलने लगी। उसको उसके कैरेक्टर में बीइंग अ लीडिंग एक्ट्रेस वो पूरी फिल्म अपने कंधे पर उठा लेती है कि फिल्म किसी के सहारे के बिना वो खुद अपने बलबूते पे ऑडियंस को थिएटर तक खींच लाती है। उनको देखने के लिए लोग जाते हैं क्योंकि जानते हैं कि कंगना अगर कोई फिल्म में है तो वो फिल्म ऐसी तैसी नहीं होगी। दोस्तों, मणिकर्णिका की बात करें, उसमें भी उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का कैरेक्टर जो निभाया है, ये एक हिस्टोरिकल फिल्म थी और एक हिस्टोरिकल फिल्म में भी उन्होंने जो कैरेक्टर को निभाया है वो वाकई में कमाल का करके दिखाया उन्होंने। उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। दोस्तों, कंगना का फैन फॉलोइंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है इंडिया में उनका। और उसका रीज़न ये है कि उन्होंने आज तक जो किया है और जो ट्रांसपेरेंसी उनके नेचर में है और जिस तरह से वो ऑनेस्टली अपने आप को, अपने वजूद को और अपने काम को निभाती है, उसी की वजह से आज वो इस मकाम पर पहुंच पाती है। दोस्तों, जब शुरुआती दौर में संघर्ष चल रहा था तब उन्होंने जो कर दिखाया था, उसके बाद भी उनको और एक बार ये नौबत आई कि पुलिस का सहारा लेना पड़ा। वो फिर से एक बार ऋतिक रोशन के कारण फिर से कंट्रोवर्सी में आई। कंट्रोवर्सी के बाद उनको पुलिस केस भी करना पड़ा और मीडिया ने भी वो बात को काफ़ी उछाला। उनका कहना था कि वो ऋतिक रोशन के साथ रिलेशनशिप में थी, पर वो रिलेशनशिप एक बहुत मैच्योर थी। ऋतिक ने उस बात का खंडन किया, उन्होंने मना किया कि ऐसा कुछ है नहीं। दोनों के बीच काफ़ी सारी मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी बातें हुई, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस हुए, काफ़ी सारी बातें हुई। फिर भी कंगना, जो उनका बेसिक नेचर है, एक जो फाइटर का उनका डीएनए है, उससे पीछे नहीं हटी। वो चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, वो मैदान छोड़ के नहीं भागती, वो वहीं पे डटी रहती है और वहाँ डट के ही वो मुकाबला करती है और वहाँ पे वो अपने आप को वहाँ इस मकाम पे लेकर जाती है कि उनको कोई परेशान न कर पाए। दोस्तों, कंगना रनौत का वो जो जज्बा है, वो जो स्पिरिट है,
उसको हम बॉलीवुड ढमाल टीम की ओर से सलाम करते हैं और चाहते हैं कि भारत की हर बेटी इस तरह से आत्मविश्वास से भरी हो कि जिस तरह से अगर उसको कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन में किसी का भी सामना करना पड़े तो वो वहाँ पे झिझके नहीं, डरे नहीं और पीछे ना हटे। दोस्तों, आज कंगना रनौत को याद करते हुए हम बॉलीवुड धमाल टीम की ओर से उनको सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि वो आने वाले दिनों में हमें बहुत अच्छी फिल्में दे और एक्टिंग के नए नए मकाम हासिल करें। बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए। हम सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। हम ट्विटर पे है, हम इंस्टाग्राम पे है, हम यूट्यूब पे है, हम टिकटॉक पे है। हमसे जुड़े रहिए। हम फेसबुक पे भी है और आपसे हर रोज आकर ऐसी ही बातें करते रहेंगे। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। गुड बाय।